हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ केले की गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने गुजिया तो काफी तरीके से बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन गारंटी है आपने इस तरीके से गुजिया कभी नहीं बनाई होगी। आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिए, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, मैंने छोटे साइज के 4 केले लिए हैं। केलों को छील करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। अभी केलों को मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। ये केलों को देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। अब इस तरीके से कोई भी एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। अभी बाउल में हम 1 कप मैदा डालेंगे। ये मेरा छना हुआ मैदा है, अगर आपका मैदा छना हुआ नहीं है तो आप पहले इसको छान लें। अब इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। अब फ्लेवर के लिए 2-3 इलायची लेंगे, इनको कूट करके डाल देंगे। आप इसमें इलायची की जगह वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। अब इसमें खाने के 2 से 3 चम्मच जितना देसी घी ऐड करेंगे। आप इसमें घी की जगह ऑयल या फिर मक्खन भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा करीब 1 चुटकी जितना बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा भी ले सकते हो। तो हमने जो केले का पेस्ट बनाया है, पेस्ट को भी इसी में डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ये घोल थोड़ा गाढ़ा है, अब इसमें जरूरत के हिसाब से दूध या फिर पानी डालेंगे। उसका थोड़ा मीडियम सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। मैं इस घोल को पतला करने के लिए इसमें दूध डाल रही हूँ, अगर आप चाहो तो इसमें पानी भी डाल सकते हो। अब दूध को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जिस तरीके का घोल हम पकौड़ी या फिर चीले के लिए बनाते हैं, उसी तरीके का घोल बना करके तैयार कर लेंगे। इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे। मेरे हिसाब से मीठा कम है, इसमें हम 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। इस शक्कर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसमें मीठा आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। इस शक्कर को भी देखिए मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए, इस तरीके से कोई भी नॉन स्टिक फ्राई पैन या फिर तवा लेंगे। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अभी फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे तवे को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तवे को हम एकदम ज्यादा गर्म नहीं करेंगे। अगर तवे को ज्यादा गर्म कर लेंगे तो बैटर को इस पर डालते ही बैटर सूखने लगेगा और मैदा अच्छे से पकेगा नहीं। अभी देखिए, तवा हल्का सा गर्म हो चुका है, इसमें से हल्की सी हीट आने लगी है। अब फ्लेम को लो कर देंगे। अब चम्मच से बैटर को लेंगे, बैटर को देखिए तवे पे इस तरीके से फैला देंगे। हमें तवे पर घी या फिर ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमने बैटर में घी डाला है, उसी में सिक जाएंगे। बैटर के देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पैनकेक बना लेंगे। अभी फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसको सेकेंगे। इसको लो फ्लेम पे सेकने से क्या है, मैदा कच्चा नहीं रहेगा, ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगा। इसको लो फ्लेम पे सेकते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम पलट लेंगे। इसको इसी तरीके से पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप चाहो तो इसकी गुजिया बनाए बगैर इसको डायरेक्ट भी खा सकते हो, डायरेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आपने गुजिया तो काफी तरीके से बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन गारंटी है आपने इस तरीके से गुजिया कभी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से भी हमारी बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होती है। अगर आपने इनको एक बार बनाकर खा लिया ना, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इनको बार बार बनाकर खाना पसंद करोगे, क्योंकि इस तरीके से भी हमारी बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर तैयार होती है। ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ही पसंद आती है। ये हमारा पैनकेक देखिए दोनों साइड से बढ़िया सिक चुका है। अब इसको हम हटा लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पैनकेक बनाकर के तैयार कर लेंगे। आप इनको मोटा पतला आपके पसंद के हिसाब से रख सकते हो। अब देखिए, गुजिया बनाने के लिए इस तरीके से कोई भी मोल्ड ले लेंगे। अभी पैनकेक को हम मोल्ड में रखेंगे। ये पैनकेक मोल्ड से थोड़ा बड़ा होना चाहिए।
अभी देखिए मेरे पास ये बचे हुए मावे की बॉल्स हैं, बॉल्स को हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इनको देखिए इस तरीके से पैक कर देंगे। ये मावे के अंदर शक्कर पहले से डली हुई है क्योंकि मैंने मावे को गुजिया के लिए बनाया था, उसमें से थोड़ा सा मावा बच गया था, उसको मैंने उठा करके रख दिया था। अगर आपके पास इस तरीके से घर का बना हुआ मावा नहीं है तो आप इसमें मार्केट का मावा भी यूज कर सकते हो। आप मावे को हल्का सा सेक लें, उसमें अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स और शक्कर ऐड कर लें। इसको अच्छी तरीके से दबा दबा करके पैक कर देंगे, जिससे क्या है कि बाद में खुले नहीं। अभी पैनकेक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हटा देंगे। ये देखा आपने कितनी बढ़िया हमारी गुजिया बनकर के तैयार हुई है। अभी बचे हुए पार्ट को तो बच्चे ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि खाली भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपके सामने एक दो पीस और बना लेती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये थोड़ी सी गुजिया मैंने बना ली है, अब देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। यकीन मानिए हमारी बहुत ही टेस्टी गुजिया बनकर के तैयार हुई हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।